नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत थरा गांव में रोजाना की तरह मृतक रामेश्वर रावत अपने ट्यूबवेल पर सोने के लिए गया। जब वह वापस नहीं आया तो उसके परिजनों ने उसकी तलाशी की। ट्यूबवेल पर उसका सब संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला। उसके सिर में कुल्हाड़ी से गहरे घाव थे। तत्काल उसके परिजन उसे जौरा अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही परिजनों ने डॉक्टरों को बताया तो परिजनों ने आक्रोशित होकर सबको अस्पताल से उठाकर MS रोड पर रेलवे फाटक के सामने जाम लगा दिया। परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। मौके पर जौरा SDM विनोद सिंह, SDOP मानवेंद्र सिंह कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जौरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मैटर है? मेरे पिताजी कल रात को खेत पे सोने गए थे, तो पता नहीं किसी अनजान पर्सन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके लिए हम न्याय चाहते हैं। पुलिस प्रशासन कोई अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। रात्रि में क्या घटना, कैसे क्या हुई थी? वो खेत पे सोने जाते थे रोजाना, तो रात्रि पता नहीं किसी ने पीछे से हमला कर दिया है कुल्हाड़ी से। दो चार मालूम है? कोई नहीं मालूम। पहले चार साल हुआ, चार साल मतलब साल क्या घटना? ऐसे ही कत्ल हुआ। किसका किसका हुआ था? सियाराम, सियाराम रावत चाचा ही है अपने। आपके चाचा, उनसे भी ऐसी हुआ था? हाँ, कुछ हल नहीं। आज ही कह रहे DOP साहब, क्या आज दिखवा रहे हैं फाइल है? बताओ। तो मतलब ये कि जो हत्या जो हुई, आप जो बता रहे हैं हत्या हुई इनकी रात्रि के समय, किसी पे आरोप वगैरह वगैरह? अब आरोप की क्या जानकारी है हमें? किसी पे कोई गंभीर? नहीं नहीं नहीं, कोई भी। सर आज क्या घटनाक्रम हुआ था जो कि जाम लगाया गया लोगों द्वारा, और ये क्या पूरा मामला है? रामेश्वर रावत हरा गांव के निवासी हैं, लगभग 60 साल उम्र है। ये अपने मित्र पेट्रोलों के पीछे इनका खेत है, तो कुएं पे सुबह जब गए होंगे परिजन, तो इनका सिर में चोट थी और इस कारण से वो मृत अवस्था में मिले। इनको लेके वो जौरा हॉस्पिटल गए, उसके बाद कुछ लोगों ने आके वहाँ से बॉडी को लाके क्रॉसिंग पे रख के जाम लगाने का प्रयास किया है, और पुलिस ने इस संबंध में प्रकरण कायम कर लिया है, निवेदन की जा रही है। इस तरह वृद्धि हुई है इन सब चीज़ों में। परिवारजनों की वजह से किसी का नाम कोई शख्स नहीं? परिवारजनों ने किसी पर संदेह अभी तक व्यक्त नहीं किया। सर ये क्या घटना स्थल पर अपनी टीम कोई पहुंची थी? घटना स्थल पर दो आरक्षक रवाना कर दिए थे, परंतु हमारी वैज्ञानिक टीम और सब की यहाँ जाम लगने के कारण थाने पर बैठे रहे, और पुलिस हमारी जाम स्थल पर अभी खुलवाने में लगी। अभी की जो स्थिति है, क्या वो शांत माहौल है या और लोग? अभी तो शांति है, PM हो रहा है।